25 सितंबर को मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। माया नगरी की सड़कों पर लबालब पानी भर गया। लोकल ट्रेनें रुक गई। लोगों को घर पहुंचने में रात से सुबह तक हो गई। गाड़ियों के लंबे जाम ने सभी को थका दिया, जबकि 26 तारीख के लिए भी मुंबई में अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के बाद बने हालातों की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं दूसरी ओर सूरत गुजरात में भी जबरदस्त बारिश हुई। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। माया नगरी से लेकर उत्तर भारत के तमाम राज्यों के लिए क्या आईएमडी का प्रेडिक्शन कहता है, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। क्या फिर वहां भारी बारिश होगी? इस पर आईएमडी के निदेशक सुनील कांबले कहते हैं, आज से कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 5 से 6 दिनों में ग्रीन और येलो अलर्ट भी जारी किया जाएगा। सुनिए उनका पूरा बयान मुंबई की बारिश को लेकर, वो क्या कहते हैं। आज से मुंबई में आज थोड़ा बारिश जोर पकड़ सकता है और आज थोड़ा सा विंड स्पीड भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुंबई में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है और हमने मुंबई के लिए येलो अलर्ट दे दिया है। लेकिन कल से फिर से बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट बारिश 2-3 दिन जारी रहेगी मुंबई में और रेस्ट ऑफ जो महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्र है, वहां भी थोड़े जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है और थोड़े जिले के लिए येलो अलर्ट है। जहां येलो अलर्ट दिए है वो पुणे, सातारा जो है घाट एरियाज, वहां थोड़े से ऑरेंज अलर्ट भी 2 दिन के लिए है। तो मुंबई में 500 मिलीमीटर बारिश जो है वो सांता क्रूज में हो चुकी है और 200 से 300 मिलीमीटर कम है, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए उससे थोड़ा सा परसेंटेज कम है। अब आते हैं दिल्ली एनसीआर के वेदर फोरकास्ट पर। आईएमडी के मुताबिक मॉनसून अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर को दिल्ली एनसीआर में हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। 25 से 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बादल गरजेंगे और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। 27 और 28 सितंबर और राहत मिलने वाले दिन होंगे। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 से 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 3 दिन की हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है और ये सिलसिला थमेगा 29 सितंबर को। फिर तापमान कुछ बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। यूपी की बात की जाए, 26 सितंबर को बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से 26 सितंबर को करीब 16 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। जौनपुर, मऊ, बलिया और देवरिया समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 28 सितंबर को भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में भी 28 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने ये कहा है कि उत्तराखंड में 25 सितंबर से मॉनसून की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वहीं अगर 26 सितंबर की बात की जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अधिकांश हिस्सों और मैदानी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर मॉनसून विदाई लेने को है, लेकिन इससे पहले कई राज्यों को जबरदस्त भिगा कर जाने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।